और ये मैडम संगीता के लिए जाहिद शाह साहब की जानिब से सब मिलकर मैडम संगीता को यह अवार्ड दें, आपकी पुरजोर ताली। बहुत अच्छा ड्रामा लिखा हुआ था और वाकई में उन्होंने संगीता के फैमिली के साथ अगर उसमें डांस भी था तो फिर कपड़ों के साथ था और कोई गंदे एक्शन नहीं थे, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। और कराची में मैंने देखा है कि कभी भी जो भी ड्रामा हुआ है कभी भी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो फैमिली के साथ ना देखा जाए, और ख़ासतौर पर इस ड्रामे में सारे आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया और उसके हंसी भी आई है, रोना भी आई है, तो सैड एक्टिंग की इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रामा। थैंक यू। आपके आपने और आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी टाइमिंग थी डायलॉग्स की, आप एक जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो बहुत उम्दगी के साथ आपने किया, इसमें एक इसलाह का पहलू था, एक पैगाम था बहुत उम्दा। और ज़्यादातर लोग जो है वो साउंड इफेक्ट से और लाइट से और म्यूजिक से सपोर्ट लेते, पर आपने इमोशनल चीज़ें भी उसके बगैर कर दी। तो शाह साहब जिस तरह का काम कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं चलो जाहिद शाह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, इनको और उनकी पूरी टीम को, इनके लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए और इनका बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी और अपना मायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जाहिद भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें यहाँ पे बुला के हमारी इज्जत अफजाई की। और ड्रामे के हवाले से जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल में इतनी कम है, और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा था। सच्ची बात यह कि हम भी कुछ टाइम के लिए आए थे लेकिन ड्रामा ऐसा था कि हम उठ ही नहीं सकते, क्योंकि फिदा साहब ने बात कर ली, फिदा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं, मैं इनके सामने कोई बात तो नहीं करना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे बाकी सीनियर दोस्त हमारे मौजूद हैं। लेकिन ड्रामे के आखिरी जो गीत था उसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक मकबूल नारा है, रोटी कपड़ा और मकान की बात हुई है, मैं आज के इस स्टेज के तवसत से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपनी लीडरशिप को कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक करना है तो अमली तौर पर रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज हमारे ये जो आर्टिस्ट दोस्त हैं इन्होंने यहाँ पे मैसेज किया है हमारी लीडरशिप को, हमारी नौजवान लीडरशिप को, कि आपका जो नारा था, जो आपके नाना का नारा था जिसने पाकिस्तान के लोगों को शोर दिया, उनका ये नारा था कि हम पाकिस्तान के लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देंगे। आज यहाँ से ये मैसेज दिया है हमारे दोस्तों ने, जाहिद साहब ने, बाकी जितने आर्टिस्ट थे इन्होंने मैसेज दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर रिवाइवल होगा तो रोटी कपड़ा और मकान की बुनियाद पे होगा। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि कुछ ना बन सका तो डुबो देंगे सफीना, कुछ ना बन सका तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये हमारे वादिया नहरान की सखावत सिंधी अजहर अमजद शाह साहब के लिए। और मैं ड्रामे की पूरी कास्ट से गुजारिश करूंगा, महंगाई ने मारा पार्ट 2 की पूरी कास्ट स्टेज, ड्रामे के तमाम फनकार असिस्टेंट सब यहाँ तशरीफ ले आए हैं।